हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेस्ट ओपन मल्टीपल रिक्वेस्ट में आपको मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरा लाइफ ही चेंज कर दी है। स्टार्टअप में कैरियर में बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, किस बुक को चूज करूँ पता नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज, प्राइस, एक्शन, वॉल्यूम, बहुत सारे आए। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, उससे टॉप बुक्स जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें हम ट्रेडिंग विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बुक्स पर शेयर करूंगा। सेकेंड प्राइस एक्शन, थर्ड टेक्निकल एनालिसिस, फोर्थ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कुछ नहीं है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड जो अभी नया आया है अनप्रोफेशनल ट्रेडर, उनका डिफरेंस ये है कि डिसिप्लिन। नॉलेज का नहीं है, नॉलेज तो सबके पास सेम है, ओनली डिसिप्लिन जो फॉलो करता है वो प्रोफेशनल बनता है। जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है वो ऐसे लाइफ लॉन्ग कोर्स के पीछे, स्ट्रेटेजी के पीछे घूमता रहेगा। जो ट्रेडिंग विथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको देखे होंगे, जो मैं शेयर किया है यूट्यूब में या मेरे वेबसाइट में, वो कुछ बुक्स का नॉलेज विथ माई एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि सब बुक्स है, बुक्स विथ नॉलेज एक्सपीरियंस। ये एन्ना कोलिंग का है कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। ये मस्ट है, अगर आप वॉल्यूम एंड प्राइस को कंबाइन करके स्टडी करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट बुक है जो आपको कंपल्सरी पढ़ना है। सेकेंड मास्टर द मार्केट बाय टॉम विलियम्स, ये भी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि कैसे स्मार्ट मनी प्राइस को मूव कराता है, कैसे ट्रैप करता है, ये डिटेल्स है। और थर्ड में माइंड ओवर मार्केट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बुक्स भी आपको पढ़ना ही होगा। तीन बुक्स से आपको अच्छा कंसेप्ट नॉलेज आ जाएगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या करते हैं वो लोग। नेक्स्ट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मैं ओनली दो ही ऑथर को रेफर करूंगा आपको। एक एल ब्रुक्स का चार बुक्स है, उसको आप स्टडी कीजिए टाइम लेके। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको आराम से टाइम लेके पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है अच्छे से। माइक्रो प्राइस एक्शन के बारे में ये डिस्कस किया है। और ये सब होने के बाद आपको बॉब होल्डमैन का एक अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, इसको आपको स्टडी करना है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, अच्छे से स्टडी किया है और बहुत सारे डीप नॉलेज इसमें है। और आपको दूसरा कुछ बुक्स ही चाहिए नहीं है प्राइस एक्शन का। तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस फर्स्ट में आ गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सेकंड में प्राइस एक्शन आ गया। मतलब आपको दो किलर कॉम्बिनेशन मिल गया कि आपको अगर दोनों का नॉलेज आप कंबाइन करेंगे तो किलर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे बुक्स है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ओनली मैं एक ही रिफर करूंगा कि जॉन जे मर्फी का ये बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक से, अच्छा बुक से। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मार्टिन प्रिंस और बहुत सारे, इसको आप प्रेफर कीजिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अभी तक हम डिस्कस किए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये तीनों हो गया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है तो इतना ही आपको कंप्लीट करना होगा। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे अलावा आप बन ही नहीं पाओगे प्रोफेशनल ट्रेडर। इसको अगर स्किप कर लिए तो हो गया आपका काम, आप प्रोफेशनल कभी भी बन नहीं पाओगे। जो साइकोलॉजी बुक से ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डोगलास, द डिसिप्लिन ट्रेडर, सेम ऑथर मार्क डोगलास, एंड रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, ये तीन बुक्स को आपको पढ़ना ही होगा। मैं तो बोलूंगा पहले आप इससे स्टार्ट कीजिए, वो प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या टेक्निकल एनालिसिस छोड़ के पहले आप ये तीन बुक से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट इससे ही स्टार्ट कीजिए, ये तीनों बुक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जाइए, उसके बाद प्राइस एक्शन को जाइए और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस को जाइए। ये सब बुक्स पढ़ने के बाद मैं 100% आपको वारंटी गारंटी देता हूँ, आपका इंप्रूव होगा, ट्रेडिंग इंप्रूव होगा।
और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा बुक्स अच्छा है, पहले आप ये सब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बुक एक दो आपको शेयर करूंगा। ये सारे बुक्स का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उधर से चेक कर सकते हो। थैंक यू।